भड़के के कुत्ते वाले बयान पर राज्यसभा में हंगामा। बीजेपी ने कहा माफी मांगे, कांग्रेस अध्यक्ष बोले जो कहा सही कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर अगले महीने लगेगी मुहर, दिल्ली में होगी संगठन की बैठक। विश्वास नहीं हो रहा खड़गे इतना नीचे गिर सकते हैं, कुत्ते वाले बयान पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले जिम्मेदारी समझे। पाकिस्तान में आतंक विरोधी सेंटर पर ही आतंकियों का कब्जा, 24 घंटे से कैद में अफसर, एक ही हत्या, अफगानिस्तान जाने सुरक्षित रास्ता मांगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में पहली बार क्लीन स्वीप किया, कराची टेस्ट में 8 विकेट से हराया। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हो रही है। जानकारी के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को लेकर लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी थी। बताने की न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे जनहित याचिका पर दिया गया था। इसमें स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दे उठाए गए हैं। २०२४ केंद्रीय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी तूल पकड़ती नजर आ रही है। ये सियासी हवा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। दरअसल सुबसपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर को अटल फाउंडेशन का सहअध्यापक बना दिया गया है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के नाम की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री द्वारा ओम प्रकाश राजभर को अटल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राजभर भाजपा के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी से परिवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी के करीबी सफेदपोश के नाम उजागर हुए हैं। कंपनी में निवेश करने वालों की सूचना ईडी के पास है। ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी के कई सफेदपोश लोगों के लेन देन की बात सामने आई है। जल्द ही ईडी की टीम इन सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार वालों की नामी बेनामी संपत्तियों के अलावा सरकारी ठेके लेने वाले प्रमुख कंपनियों को लेकर भी ईडी पूछताछ कर सकती है। बता दें मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी है, वहीं अब उनके करीबियों से भी पूछताछ की जाएगी। बता दें मुख्तार अंसारी और उनके परिवार वालों की नामी बेनामी संपत्तियों के अलावा सरकारी ठेके लेने वाले प्रमुख कंपनियों को भी लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। बता दें ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी की कई सफेदपोश लोगों के लेन देन की बात सामने आई है। जल्द ही ईडी की टीम इन सभी लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, मुख्तार अंसारी पर ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, मुख्तार अंसारी के करीबियों से भी अब पूछताछ होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? पवन, मुख्तार अंसारी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है, अब उनके करीबियों से भी पूछताछ होगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? तरीके से अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद के स्पेशल कोर्ट में ईडी की टीम ने उनको वहां पे
पेश किया था और जिस तरीके से लगातार जो है ईडी टीम मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कस रही है। अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के करीबियों की तो लगातार ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के करीबियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि 10 दिनों का जो ईडी की टीम ने रिमांड लिया है उसी दौरान लगातार ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है तथा उनके करीबियों पर ही शिकंजा कस रही है। तो कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी की टीम लगातार मुख्तार अंसारी किसके साथ पूछताछ कर रही है तथा उनके करीबियों से भी पूछताछ कर रही है। जी मयूरी जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। कन्नौज में कानपुर देहात शिवली के बलवंत की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने बलवंत की मौत के मामले में शिवली थाना अध्यक्ष सहित एसओजी टीम को दोषी माना है। एसओजी प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। वही मुख्य आरोपी शिवली थाना अध्यक्ष राजेश सिंह को एसआईटी की जांच में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें एसआईटी हेड कन्नौज एसपी ने बताया कि मामले में सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों की जांच की गई है, जिसके आधार पर सभी आरोपी दोषी पाए गए हैं। थाना रनिया जनपद कानपुर देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 30/2022 धारा 147 302 504 506 आईपीसी के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा जांच के क्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों व भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। देवरिया नगर पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। जनपद के वार्ड नंबर 25 भुजौली कॉलोनी से प्रत्याशी पद पर चुनाव लड़ रहे मकसूदन वर्मा ने शिक्षा और विकास को महत्व बताया। अपने बयान में कहा कि हमारे वार्ड में अधूरे कार्य है, उसे मैं पूरा करने का कार्य करूंगा। जैसे ही सरकार की जो भी मूल रूप से सुविधाएं आती है जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसे भी मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जनता का प्यार आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं अपनी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं मैं उनको प्राथमिकता बना के मैं चुनाव लड़ रहा हूं। डोर टू डोर निरंतर पिछले 10 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूं, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूं और हमारे साथ जो टीम है बड़े की छोटे की वो निरंतर हमारे साथ लगी हुई है और हम लोग जनसंपर्क पिछले 2 साल से तो डोर टू डोर कर रहे हैं। क्या लगता है अभी भी आपके औरैया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में मिहौली बाईपास पर भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें डंफर चालक बुरी तरीके से घायल हो गया। बता दें आनन फानन में राहगीरों ने डंफर चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है, जिसके बाद उसे सफाई के लिए रेफर कर दिया गया। बलराम कहाँ के रहने वाले हो? अलीगंज। क्या हादसा हो गया? गाड़ी लगी, दूसरी गाड़ी से आई, उसने पीछे से ठोंक दिया। कहाँ पे हुआ हादसा? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। कौन घायल है तुम्हारा भाई? है बड़ा। क्या नाम है? हिमांशु। कौन सी गाड़ी में जा रहे थे? घोड़ा था, 22 चक्का। अच्छा, कैसे हादसा हुआ? गाड़ी जा रही थी, आगे वाले ने ब्रेक ली, इन्होंने ब्रेक ली, पीछे बराबर में चला रहा था। गाड़ी वाला एक्सीडेंट हुआ है, उसने लिया, आगे स्टैंड गाड़ी खड़ी थी उसमें लग गई जाके। 5-6 गाड़ी साथ में। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल QRG मोरिंगो पर दिल्ली के कारोबारी के साथ मिलकर महिला से धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर अस्पताल के डॉक्टर, कोऑर्डिनेटर और दिल्ली के कारोबारी मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों खिलाफ FIR दर्ज की है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तीन सौ 33 नंबर FIR है, उसके अंदर महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे बच्चों और पति को जबरदस्ती बंधक बना के रखा और मेरी किडनी ट्रांसप्लांट करा ली, और किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ फैमिली मेंबर्स को होती है। तो इस महिला के पहले फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं उसके पत्नी के नाम से,
और उसके बाद में QRG अस्पताल के साथ मिली भगत करके इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, क्योंकि इससे पहले ये चार अस्पताल में और भी गए थे जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में उनको कुछ संदेह हुआ। सर ये लोग हैं दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने, दिल्ली के बेस्ट 3 इंजीनियर्स और कंसल्टेंट में से इनकी गिनती आती है। जिसने मेरी किडनी ली है उसका नाम है विनोद मगोत्रा, उसके साथ शामिल है उसकी वाइफ अंबिका मगोत्रा, और यहाँ तक कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने में शामिल थे उनका उनके कज़न तेजेंद्र कुमार कोरा और तेजेंद्र कुमार कोरा के फ्रेंड ओम प्रकाश जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और हॉस्पिटल वाले श्रीराम काबरा नेफ्रो के डायरेक्टर। और फरीदाबाद की सुबह आज सफेद कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। बता दें सर्दी के मौसम में पड़ने वाला पहला कोहरा है। इस कोहरे के चलते जहां घर से निकले वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा और दिन में लाइट जलानी पड़ी, तो वहीं लोगों ने बताया कि सर्दी में पड़ा ये पहला कोहरा काफी देरी से पड़ा है लेकिन इसका सीधा फायदा रबी की फसलों को पहुंचेगा। तो पहला कोहरा है, आदमियों को मान लो अपने आप को सुरक्षा करना चाहिए, लाइट चलाना चाहिए। गाड़ी बड़े तरीके से चलाता है, बड़े वाले गाड़ी फिर बाइक वाले, उसको लाइट जला के चलना चाहिए कि एक दूसरे को मान लो तकत ना हो। और इससे फायदे के कितने होंगे? इससे फायदे होगा किसानों को, मान चलो कि फसलों पर फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। तो लगता नहीं कि इस बार लेट पड़ा है कोहरा, देरी से ठंडा लेट पड़ा है कोहरा की मान चलो पूरे बिहारों के हरियाणा के क्षेत्र में अंदर में किसानों को मान चलो पानी का मान चलो हर चीज़ को सुविधा ना हो। पहली ठंड है, पहला कोहरा है, ठंड होनी चाहिए, इस बार लेट ठंड हुई है तो परेशानियां भी बढ़ेंगी। स्कूल के बच्चे भी कोहरे में आ रहे हैं, दुर्घटनाएं भी होती है। हर बार ठंड होती है, इस बार गेहूँ की फसल जो है वो खराब हो जाएगी, कोहरा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है लेट पड़ी इस बार ठंड? हाँ, लेट है इस बार ठंड। इस कोहरे में काफ़ी हम देख रहे हैं विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को सावधानी के लिए? सावधानी बरतें, धीरे चलें, गाड़ी अपनी धीरे चलाएं, देख के चलाएं, यही सावधानी है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोहरा तो पड़ेगा, पड़ना चाहिए। बच्चों के लिए बड़े बूढ़ों के लिए नुकसानदायक है, बाकी पहला कोहरा पड़ा है हमें बड़ी खुशी है। ऐसा कोहरा बनने से लोगों को सावधानी से तसल्ली से चलना चाहिए इस रोड पर, जो कि इंडिकेटर वगैरह दें अपना और सेफ्टी रखें अपनी और ध्यान से रहें, ध्यान से चलें। ये फ़ायदे क्या हैं? फायदे हैं फसल के लिए, बेनिफिट है, जितना धुंध पड़ेगी क्या ठंड पड़ेगी फसल बढ़िया होगी, हमारा गेहूँ बढ़िया होगा, हमारी जो जई मुंडी है वो। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।